आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और और बायोलॉजी का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। हमें फोर गिवन है जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सो so, पहले हम देखते हैं और लेसिथिन होता क्या है okay? so, ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है सो इट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है और ये एक प्लांट प्रोटीन है सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं ये कुछ ऐसे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि ऑर्गेनिज्म को एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं सो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ बट प्रोवाइड्स एडवांटेज टू ऑर्गेनिज्म और इस केस में ऑर्गेनिज्म क्या होगी प्लांट्स ओके सो जो लेक्टिन होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेन करते हैं So, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं सो बाइंड विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिड्यूस न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं ये कुछ ऐसे ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वीट हो गया राइस ओट्स कॉर्न एटसेट्रा और लेक्टेन्स क्या होते हैं ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी में सो ये जो है ये सीधा गट से पास होते हैं सो कांट बी डाइजेस्टेड जस्ट गो थ्रू गट सो कमिंग टू द Second प्रोटीन which इज lecithin. ये क्या होता है ये एक एसेंशियल फैटी nutrient है जो कि क्या कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ phospholipids. और ये किससे एसोसिएट करता है एक फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलाइन सो ये उससे एसोसिएट करता है फॉस्फेटिडाइल डाइल कोलाइन ओके ये किससे मिलके बनता है फॉस्फोरिक एसिड कोलाइन ग्लिसरॉल इस्टर्स एंड टू फैटी एसिड्स सो ये होते हैं मेन कंस्टिट्यूएंट्स लेसिथिन के कमिंग टू इट्स रोल ये क्या करता है ये प्लांट और एनिमल टिश्यूज दोनों में पाया जाता है वेयर एज जो लेक्टिन है वो हमारा किस में पाया जाता है इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट्स ओनली ये क्या करता है ये बैड कोलेस्ट्रोल जो होता है उसको कम करता है सो इट लोअर्स बैड कोलेस्ट्रोल और इसके साथ साथ ये क्या करता है ये इम्यून फंक्शन को इंक्रीज करता है और मेमोरी में भी ये काफी हेल्पफुल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी ये यूजफुल होता है इसको एजस सप्लीमेंट भी लिया जाता है ओके द डिफरेंस बिटवीन लेक्टिन एंड लेसिथिन इज तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लेक्टिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट व्हाइल लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड यस लेक्टिन जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है और लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड है जो कि फॉस्फेटिडाइल कोलाइन से लिंक होता है सो so यस yes, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन है लेक्टिन इज अ फैट बाइंडिंग प्रोटीन वाई लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड सो यस लेसिथिन जो है वो तो फॉस्फोलिपिड है बट लेक्टिन जो है वो फैट बाइंडिंग नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है सो so, हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है इनकरेक्ट है कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन लेक्टिन इज अ फोसफुलपिड विथ कोलाइन वाई लेन इज अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन सो ये गलत डिफरेंस है बिकॉज जो लेक्टिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है बाइंडिंग प्रोटीन वेराइस जो लेसिथिन होता है वो फॉस्फुलिपिड होता है ओके कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन लेक्टिन इज अ फोसफुल इिपिड वाई लेसिथिन इज अ सेकेंड्री मेटाबोलाइट सो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि लेसिथिन जो है वो फॉस्फुलिपिड होता है वेराइज जो लेक्टिन है वो सेकेंड्री मेटाबोलाइट होता है ओके क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर